मान कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत स्पेशल दिन है, बिकॉज आज वो चीज़ या वो ख्वाब जो बचपन से हर बंदा देखता है कि मैं कभी ना कभी प्लेन फ्लाई करूँगा, वो आज पूरा होने जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि आज मेरे साथ जो है वो सात भाई जो है वो मौजूद हैं, और हम दोनों जो है आज वो प्लेन फ्लाई करेंगे। आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा और स्ट्रेट टू द बिजनेस। अब देखते हैं कि आगे क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? तो हम पहुँच गए इस वक्त इस्फ़हानी हैंगर पे, और ये जो इंस्टीट्यूट है, जो जगह है, इसका नाम है स्काई विंग्स। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आर फर्स्ट एक्सपीरियंस, मी एंड ताहिर। ताहिर जो है इस वक्त कैमरा के पीछे है, तो इंशाल्लाह ताला लेट्स सी, देखें कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और वी आर वेरी मच एक्साइटेड, और अभी ये हमें कन्फर्म नहीं है कि हमें ये वाला प्लेन मिलने वाला है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेन्स हैं। इसके अंदर कुछ प्लेन्स छोटे छोटे इस तरह के हैं जिसमें दो लोगों की कैपेसिटी है। अगर आप वो सामने देखें, बड़ा अच्छा उन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है। अभी नंदन साहब की जो है वो तस्वीर बनाई हुई है, ठीक है। और इसी तरह से एक ये प्लेन हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद ये ग्राउंडेड मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक कि ये ग्राउंडेड होंगे। तो ये जगह है, लेट्स सी। बड़ा जब सुना इसके बारे में तो एक्साइटेड हुए कि ओके, लेट्स लेट्स डू इट। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ फ्लाई नहीं करेंगे, फ्लाई तो हम सब करते हैं, मौका मिलेगा इसके एक्सपीरियंस लेने का कि खुद से आप प्लेन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्टर हमारे साथ होंगे, थोड़ी देर में ब्रीफिंग स्टार्ट होगी, इंशाल्लाह ताला फिर हम स्टार्ट करते हैं। विल कंटिन्यू। ऑफ यू वॉन्ट्स टू नो कि ये आप किस तरह से अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी, ये पोस्टर लगा हुआ है, ताहिर इफ़ यू कैन कवर इट, ठीक है। ये चार्जेस हैं पर मंथ पर पर्सन, ठीक है जी। ये आपको पे करने होंगे। 30 मिनट्स की ग्राउंड ब्रीफिंग है और 60 मिनट्स की फ्लाइंग टाइम है, जो कि आज हमने एक्सपीरियंस किया, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी डिटेल्स बताई हैं। तो ये डिटेल्स है जी, यू कैन कॉन्टैक्ट दैम ऑन दीज नंबर्स, और उसके बाद फिर आप आके जो है यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस है वो कर सकते, ठीक है। ओके जी, ये कार्ड्स हमें कुछ मिल गए इस तरह से, अगर आप ये देख सकते हैं। इस कार्ड के ऊपर जो है वो स्काई विंग्स के नाम लिखा हुआ है, पिक्चर लगी हुई है। जब हम यहाँ पर रजिस्टर करवा रहे थे तो उन्होंने ये डिमांड किया था, ये ताहिर का कार्ड आ गया, सिर्फ डिमांड किया था कि जी आप जो है वो पासपोर्ट साइज पिक्चर दे दें, उसमें नाम आ गया, ट्रेनी पायलट, और उसके बाद फिर इसकी डेट्स, एक्सपायरी डेट, और ये वन डे का जो है वो ट्रेनी प्रोग्राम होगा। अच्छा, हमें कुछ जो ब्रीफिंग इन्होंने दी है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, जितना मुझे याद है मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है वो हमारा इस वक्त कॉकपिट होगा, वो इस तरह से नज़र आएगा। ये डैशबोर्ड है, यानी कंट्रोल पैनल है, जिसमें हमारे पास सिक्स पैक्स जो मेनली हम ट्रेनीज इस्तेमाल कर रहे होंगे वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसमें ये सिक्स किस्म के आपको जो सिक्स टाइल्स शुरू में नज़र आ रहे हैं, ये हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होंगे। अगर आपको दिखा सके, थोड़ा सा डार्क है, बट ये कि चांसेस ये हैं कि हम जब यहाँ से फ्लाई करेंगे, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम इस एरिया से OPSF आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ भी एक रनवे है, यहाँ भी रनवे है, ये भी रनवे है, जितने रिंग्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये रनवेज हैं। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर हम स्टील मिल, पोर्ट कास्टम और घारो, ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें फ्लाइंग करने का की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डिपेंड्स कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हमें क्या अलाउ करता है और कौन सा रूट हमें अलाउ करता है। तो ये कुछ डिटेल्स है हमारी बेसिकली ब्रीफिंग के हवाले से कि हमने एयरक्राफ्ट को हमने जो सीखा भी था। सो अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो ये वो कंट्रोल, जैसे स्टेयरिंग होता है गाड़ी के अंदर, यहाँ पर ये स्टेयरिंग है जो कि 360 मूवमेंट के लिए जहाँ की यूज करता है। सो फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। फाइनली गाइज, हम लोग अपने जहाज में बोर्ड होने लगे हैं। सात भाई हमारे साथ हैं, सुपर एक्साइटेड। तो अब हम जाएंगे, ड्यूरिंग द एयर हम लोग जो हैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अगर वहाँ पे आवाज़ इतनी ऑडिबल हुई। अदरवाइज जो विल ट्राई के कुछ अच्छे शॉट्स लें और वापसी में फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सी यू गाइज इन द एयर।
today's report, flying time in Europe, COB. खिड़कियां बंद कर लीजिएगा बस। दिखाता हूँ।
एंड लुक व्हाट वी फाउंड. द टी इज फैंटास्टिक. सो ऑल राइट, वी आर बैक ऑन ग्राउंड नाउ. फ्लाइंग हमने कर ली है और अल्लाह का शुक्र है. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मैं बताऊँ. बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और आप सब लोगों को चाहिए कि ज़रूर ट्राई करें. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मुनासिब है. वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये. और मैंने जैसे पहले भी बताया था इस वीडियो में कि सबसे अच्छी बात यह कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आप कॉकपिट पे बैठे हैं, मौजूद हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं एयरक्राफ्ट, ये सबसे बड़ी बात है. और ये एक्सपीरियंस शायद ही कहीं इस तरह से आपको जो है ना, वो कम अज़ कम पाकिस्तान में जो है इस तरह से ये चीज़ें कभी पहले नहीं मिलती थी. अब ये नया एक इनिशिएटिव है जो कि काफ़ी अच्छा है. क्या ख्याल है ताहिर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ख्याल मेरा अच्छा था, लेकिन जो दरमियान में आपने किया मेरे साथ साथ भाई ने दरमियान में इनका एक मनूवर्स का भी होता है. ये चीज़ हमें इन्होंने बताई थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने खतरनाक होते हैं. उसको कैमल राइड बोलते हैं. Yes, वो जो आप जाते हैं फिर उसके बाद कैमल में जाते हैं जहाज, और यूं और यूं. और साथ भाई ने एक दफा नहीं किया, साथ भाई ने को तीन दफा किया. और मेरा जो दिल था वो यहाँ से निकल के कहीं पता नहीं इधर मुंह की तरफ आ गया था, और बहुत खतरनाक था. लेकिन ओवरऑल इसलिए कि जहाज छोटा होता है, और जैसा साथ भाई ने कहा कि एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त था कि मतलब हम जब बड़े प्लेन में फ्लाई करते हैं हमें आइडिया नहीं होता कि लेफ्ट राइट क्या है, या हम लोग इतना इन्जॉय नहीं करते उसको. लेकिन इसके सबसे अच्छी बात ये थी, जब आप वीडियो में आपने देखा होगा कि व्यूज़ इतने करीब थे कि इवन हमने पोर्ट कासिम और बहुत अच्छी अच्छी जगह ऐसी जो कि शायद ही हमें कभी जाना होता हो वहाँ पे, तो हम लोगों ने इसको कवर किया. लेकिन मैं कहता हूँ देयर वाज अ टाइम जब मुझे वो जो अगर तुम्हें याद हो वहाँ पोर्ट कासिम पे वहाँ सी में एक शिप खड़ा था, राइट. उसके गिर्द चक्कर लगाने के लिए मैंने ख्वाहिश की कैप्टन से, मैंने कहा कि मैं खुद से करना चाहता हूँ आप हाथ. तो टोटल एयरक्राफ्ट का कंट्रोल मेरे पास था ये सबसे, और मैंने बाकायदा तौर पर एक रेडियस के अंदर उस जहाज को जो है वो अपने एयरक्राफ्ट को जो है वो टर्न किया. तो दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. प्लस किस तरह से वो मनोवर्स किए अप एंड डाउन जो ताहिर ने आपसे एक्सप्लेन किया, वो मैंने खुद से अपने हाथ से किए. मेरी तो जान निकाल दी थी आपने. अच्छा, दूसरी बात जो हाँ साथ भाई की बात मैं एक बात ऐड करूंगा कि हमें ब्रीफिंग में बताया गया था कि शायद कंट्रोल्स हमें इतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि विजिबिलिटी यहाँ तो क्लियर होती है, लेकिन जब हम स्काई में जाते हैं तो विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं होती. लेकिन वहाँ जाके हमें आइडिया हुआ कि उसने ऑलमोस्ट 80% कंट्रोल्स हमें ही दिए हुए थे. ये बताऊँ साथ भाई ने ज़्यादा कंट्रोल्स किए, मैं मेरी तो जान निकली हुई थी तो मैंने तो इसलिए ज़्यादा उसको हैंडल को नहीं पकड़ा. लेकिन ये कि 80% कंट्रोल ऑलमोस्ट साथ भाई ने पूरा प्लेन फ्लाई करना, टर्न करना, मैनूवर करना, स्पीड कम ज़्यादा करना, इंजन को. टेक ऑफ का जो एक्सपीरियंस था जब हमने टेक ऑफ किया तो वो भी आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं उसको जो है वो वीडियो के एंड में जो है इनकी डिटेल्स वगैरह जो है वो डाल दूंगा. आप लोग अगर चाहें तो इस प्रोग्राम को लाजमी इंजॉय करें. बहुत मिनिमम चार्जेस हैं, लेकिन चार्जेस को अगर देखा जाए तो मतलब ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. मेरे ख्याल में इतने मिनिमम चार्जेस में कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. आई मस्ट से कि आप लोग आएँ, और जैसा साथ भाई ने जो एक्सप्लेन किया थोड़ी बहुत, मैंने भी अपनी फाइंडिंग दी आपको, उसके लिहाज से इट्स अ वर्थ कि आप एक दफ़ा लाजमी आएँ और आपके पैसे जो है ना वो बिल्कुल वसूल हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे. साथ भाई आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे ताकि? नहीं, थैंक यू सो मच. बस मैं भी यही कहूँगा कि ज़रूर करें और इन्जॉय योरसेल्फ. थैंक यू. चलें, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर. अल्लाह हाफ़िज़.